Hey everyone, so traders, आज मैं एक बहुत important topic के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है the power of visualization. अगर आप इन तीन problems से गुजर रहे हैं, early exits, early entries या FOMO, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा तोड़ू रहने वाली है. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें. ये साइकोलॉजिकल वीडियो है, इसका काम है आप लोगों के ज्ञान चक्षु खोलना. सो मेक श्योर आप कॉन्सेंट्रेटेड रहें फ्रॉम द फर्स्ट मिनट. ओके, सो गाइज, अब अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं या आप एक एथलीट हैं, इन तीनों को एक प्रॉब्लम हमेशा होती है बिफोर द टेस्ट. घबराहट आती है. क्यों आती है? हमने प्रेपरेशन तो की होती है लिख के करके याद करके, बट एक मेंटल गेम होती है, विजुलाइजेशन होती है कि अगर वो सिचुएशन जब होगी तो मैं क्या करूँगा. वो चीज़ हम बेसिकली नहीं करते हैं. जब भी जितने भी बड़े एथलीट्स हैं, बी एट मेसी, बी एट रोनाल्डो, बी एट विराट कोहली, लेब्रॉन जेम्स, जितने भी बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करोगे, इवन आप अडानी अंबानी की बात करोगे या आप किसी अच्छे स्टूडेंट की बात करोगे जो आईएएस आईपीएस ये सब क्लियर कर रहा है, सारे एग्जाम्स क्लियर कर रहा है, आपको एक चीज़ समझनी होगी. देखिए, जब भी एक बड़ा टेस्ट आता है, जितने भी स्मार्ट लोग होते हैं वो हमेशा जो फियर वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है या फिर उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके. हमेशा ध्यान रखिएगा, फियर बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आपके परफॉर्मेंस को ऊपर लेके जाने के लिए. क्यों? क्योंकि फियर का काम होता है आप पे एक ग्रिप बांधना. ओके, और आपका काम क्या होता है? उस फियर को समझना, उस फियर को तोड़ना और आगे बढ़ना. फिर एक और नया फियर आता है. ओके, तो फियर कभी खत्म नहीं होगा, फियर हमेशा आता जाएगा, बट आपको धीरे 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 फियर की एक सीढ़ी होती है जो चढ़ते रहनी होती है. ओके, तो आज के वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आपके साथ शुरू करूंगा, एक मिनट की वीडियो आपको दिखाऊंगा आपके फेवरेट एथलीट की, कि कैसे उन्होंने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को यूज किया टू काउंटर जो भी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी एंड बिकम बेटर. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वॉच दिस वीडियो. हाउ डज विजुअलाइजेशन हेल्प विद दैट? इट इज एवरीथिंग फॉर मी. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy's bringing the heat onto me and I'm countering that, and you know, that becomes such a reality in your head. And invariably, when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home conditions. And what specifically are you seeing when you're visualizing? I'm actually seeing smashing that bowler all over the field. So I actually feel that emotion in my heart, and I can feel that this is going to happen. And you tune your head or you tune your mind in a way that it's so convincing in your mind that when you're in that situation, your body just takes over because it's already registered in your mind. And when that happens, you feel like, wow, man, this is so powerful. Because if something looks difficult and if you don't convince yourself to go out there and achieve the opposite, you're never going to be able to do it. You can't just land in a place and say, I'll see what happens. That way your chances of succeeding become very, very low. So, ab aapne last ki line inki suni hogi ki you cannot just land in a place and say, we'll see what happens. Life ho, sports ho, ya padhai ho, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. आपको वहां पर सब कुछ जॉट डाउन करना पड़ेगा कि क्या गेम प्लान है आपका. उसके बाद जो आपने लिखा है या जो आपने प्रिपरेशन की है, उसको आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा. आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं क्या करूंगा. मेसी ने एक अकेडमी स्टूडेंट को बड़ी अच्छी चीज बोली थी. उसने पूछा था, गिव मी वन एडवाइस जिससे मैं अपना करियर बेटर कर सकता हूं. तो उन्होंने बोला, वॉक मोर, मतलब फील्ड में चलना थोड़ा शुरू करो, खड़े मत रहो एक जगह, चलो सराउंडिंग्स देखो, कौन कहाँ खड़ा है, चीजों को ऑब्जर्व करो. आपने देखा होगा मेसी पूरे वर्ल्ड कप में 2-4 स्प्रिंट मारते थे गेम के अंदर और बाकी आधे टाइम ही वाज जस्ट वॉकिंग. लोगों को, प्लेयर्स को लगता था ये तो बंदा वॉक कर रहा है, ठीक है ना. अभी हम आगे जाएंगे और मेसी कब उस बंदे के आसपास आ जाता था पता नहीं चलता था. ओके, व्हाई इज ही डूइंग इट? दिमाग में ही इज ऑब्जर्विंग, विजुलाइज कर रहे हैं क्या कि कैसे मुझे वो प्लेयर्स की, बेसिकली ही इज डिपिक्टिंग द मूवमेंट्स कि ये प्लेयर अब क्या करेगा, क्या नहीं करेगा. प्रोबेबिलिटीज चल रही हैं, स्प्लिट सेकेंड्स में सारी चीजें चल रही हैं. ये सेम चीज एक ट्रेडर के साथ भी होती है. एज ट्रेडर्स हम हर रोज 9-15 एग्जाम देते हैं, समझो इस बात को. जब भी आप एग्जाम में बैठते हो ट्रेडिंग के,
आपके साथ क्या होता है, आपको घबराहट होती है, कभी कभार जो आपने प्लान प्रिपेयर किया तो आप सब भूल जाते हो, जैसे ही मार्केट गैप अप खुल गई, गैप डाउन खुल गई या आसपास खुल गई या फिर एक बड़ी कैंडल आ गई, आपको लगता है यार अब मैं क्या करूं, ये तो पंगा हो गया, मुझे पता ही नहीं है क्या करना है मुझे, फिर आप यहां वहां भागने लग जाते हो, टिप्स लेना चालू कर देते हो। तो वो चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रेपरेशन लिखित से दिमाग में डालनी है। और वो कैसे डालेंगे आप, आपको सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को समझना है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। आपके अर्ली एग्जिट्स हो रहे हैं, अर्ली एंट्रीज हो रही हैं, आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर मोस्टली एवरी थर्ड ट्रेडर गोस थ्रू, और अगर उसको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बिजनेस बनाना है अपना तो इन तीनों चीजों से निकलना पड़ेगा। ये बेसिक है, ओके, ये मेंटल गेम है और मेंटल गेम को ही काउंटर करना सबसे डिफिकल्ट होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। सो अब आप देखिए, जब भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को कि जब भी मार्केट शुरू होने वाली होती है, आंख बंद करिए और इमेजिन करिए कि आज क्या क्या हो सकता है। अगर मार्केट कोई इवेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ओके, 9 बजे के करीब आप दो मिनट बस इमेजिन कर लो, बहुत होता है, इनफ होता है वो, ओके, आपको एक काइंड ऑफ आइडिया हो जाएगा कि मार्केट कहां खुल रही है, ओके। तो अगर मार्केट आसपास खुल रही है तो आपके पास 3 सिचुएशंस होनी चाहिए हमेशा कि मार्केट क्या क्या कर सकती है, इस पोजिशन से ऊपर जाएगी, इस पोजिशन से नीचे जाएगी या यहीं पर आसपास घूमेगी। उसके बाद आपके पास होना चाहिए कि मार्केट में कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, मार्केट कितने दिन से गिर रही है, साइडवेज है या ट्रेंडिंग है, ऊपर है या नीचे है, क्या है। मार्केट जनरली 2 दिन से ज्यादा जब नीचे की तरफ ट्रेंड करती है तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड होता है, ओके। तो इस हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना होगा। मैं जनरली क्या करता हूं, अगर मार्केट 3-4-5 दिन से ऊपर भाग रही है और अपनी 200 डे मूविंग एवरेज से काफी ऊपर चली गई, मैं 5 मिनट की बात करता हूं, ओके, तो मैं जनरली क्या ढूंढ रहा होता हूं, मैं रिवर्सल्स ढूंढ रहा होता हूं, कॉन्ट्रा ट्रेड्स मैं मार्क कर रहा होता हूं कि अगर मार्केट मान लो गैप अप कर गई, कोई एम पैटर्न बना दिया, कोई रिजेक्शन कर दिया, कोई हायर लोअर हाई बना दिया या फिर हायर हाई बना के रिजेक्शन दे दिया, ट्रैप बना दिया, कुछ कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 22,000 पे ट्रैप बना था अभी थोड़े दिन पहले, तो इस टाइप के ट्रैप्स को मैं हमेशा देख रहा होता हूं और यहां पर मेरे मेनली ट्रेड्स बन रहे होते हैं, ओके। या फिर मार्केट 3-4 दिन से गिर रही होती है नीचे तो वहां पर मैं क्या देख रहा हूं, तो मार्केट मॉर्निंग में खुली, फटाफट रेड कैंडल आई, अब एकदम से मार्केट में ना 2-3 कैंडल में सपोर्ट बन गया और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हायर लो बना के ऊपर जाने लगे, यहां पर मेरा बाय बन जाएगा। तो ये दिमाग में मुझे इमेजिन करना पड़ेगा, क्यों, जिससे मेरे को रियलिटी में बदलना पड़ेगा। कैसे, मैंने दिमाग में इमेजिन किया अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं करूंगा। अब अगर ये लाइव मार्केट में होता है और आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो कहां प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हैं बात, आपने इमेजिन किया बट आपने ट्रेड नहीं लिया तो कहां प्रॉब्लम है, डर, किस चीज का डर, नुकसान ना हो जाए, तो उसका क्या सलूशन है, क्वांटिटी कम करो, ईगो को हटाओ, ईगो को हटाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते यार एक लॉट में क्या पैसे कमते हैं, एक निफ्टी 20 में क्या पैसे कमते हैं, एक शेयर में क्या पैसे कमते हैं, कम से कम 100 तो लेना पड़ेगा, तो डर भी तो हटाना पड़ेगा, कोई क्रोसिन तो आती नहीं है कि मैंने खिलाई आपको और आपका डर यूं हट जाएगा, ऐसा तो नहीं होता, राइट। तो आपको डर को काबू करना पड़ेगा ना, तो डर को कैसे काबू करोगे, डर को काबू करने का तरीका बड़ा सिंपल है, क्वांटिटी को कम करो, ओके। और जो अभी आपने इमेजिनेशन किया, आपने जो विजुअलाइजेशन किया अपने इमेजिनेशन के अंदर, उसको वर्क करो, किसके साथ, अपनी क्वांटिटी के साथ, महीना 2 महीना बस यही करो, जो सोच रहे हो ट्रेड लो फटाफट, अब डर नहीं है ना, एक शेयर में कितना नुकसान हो जाएगा, एक लॉट में कितना नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो बात, माइंड को ट्रेन कर दो, महीना 2 महीने में आपका माइंड और आपका कीबोर्ड पे ट्रिगर बिल्कुल सिंक हो जाएगा, तो जो आप सोच रहे हो ना वो आप करोगे, ये आप ध्यान रखना इस बात को, क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, ठीक है जी। अब आते हैं अर्ली एग्जिट्स, अर्ली एंट्री, इसका क्या सलूशन है, इसका सलूशन पहले मैं बात करता हूं अर्ली एंट्री की। अर्ली एंट्री क्या होती है, आप कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं, अब यहां से मार्केट में ना आपको, आपने अपने दिमाग में पहले से इमेजिनेशन बना ली है कि यहां पर लेट्स से एक राइजिंग वेज बन रहा है या कोई एम पैटर्न बन रहा है या फिर यहां पर फ्लैग पैटर्न बन रहा है, बन रहा है, बना नहीं है, और आपने उससे पहले ट्रेड ले लिया और हुआ क्या, एकदम से मार्केट नीचे जाने लगी, अब आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, सोल्यूशन क्या है इसका। अब आपको क्या होता है, फ्रंटल लोब और आपका पीछे का जो बैकवर्ड एरिया होता है ब्रेन का, इन दोनों में हमेशा ना एक बहस चल रही होती है, हमेशा ध्यान रखना है इस बात को, एक पॉजिटिव सोचता है दूसरा नेगेटिव सोचता है, तो अब आपको उसको काउंटर करना है, आपको ब्रेन को ना रीट्रेन करना है, रीवायरिंग करनी है, कैसे करेंगे आप समझाता हूं, देखो जो कर रहे हो बिल्कुल वैसा ही करो, अर्ली एंट्री ली, लो एंड कोई टेंशन नहीं है, बट क्वांटिटी को आधा कर दो, क्वांटिटी को आधा कर दो, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, अपनी क्वांटिटी आधी करनी है, अर्ली एंट्री ले रहे हो, लो पोटेंशियल पर नुकसान आधा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी प्लान्ड एंट्री थी, जो आपने सोची हुई थी अपने विजुअलाइजेशन में, उस हिसाब से एंट्री लो। महीने भर में आपके पास डेटा आ जाएगा कि कितनी बार आप अर्ली एंट्री कर रहे हो, महीना दो महीना रख लो, मैक्स दो महीना तो करना पड़ेगा। देखो आपके पास डेटा होना चाहिए, जो आप एक्चुअल में एक्सरसाइज कर रहे हो उसका डेटा होना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। रियलिटी तभी स्टेप इन करती है जब आपके पास नंबर्स होते हैं, आप बता पाते हो कि यार मैंने धंधा खोला बट यार इसमें तो सेल ही नहीं हो रही है। आप अपने आप को बोलते रहोगे नहीं ये प्रोडक्ट तो बहुत फाड़ू है, तोड़ू है यार, ये तो चलेगा चलेगा पक्का चलेगा, साल दो साल हो गए कोई ग्रोथ ही नहीं है, मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उसका मतलब दिस इज नॉट वर्किंग, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। क्लियर है? तो नंबर्स आपको बेसिकली आपके माइंड को एक क्लियर इमेज दे देते हैं कि यार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अर्ली एंट्री में आपने ट्रेड लो अपना, जैसा ले रहे हो बिल्कुल वैसा जो आप कर रहे थे वही करो। क्लियर? दूसरी एंट्री आपने क्या लेनी है, जो आपने विजुलाइज किया था एक्चुअल जो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी उस पर लो। क्लियर है? महीना दो महीना करो ये चीज, देखो ऑब्जर्व करो, आपको पता चल जाएगा आप अर्ली एंट्री क्यों ले रहे थे, क्या रीजन था। हर इंसान के अलग रीजन होते हैं, एक फिक्स रीजन नहीं है इसका, समझो उस बात को। मैं वो बताऊंगा जिस पे मैंने ओवर ट्रेडिंग की या मैंने अर्ली एंट्रीज ली, कुछ ली, आपका रीजन कुछ और हो सकता है, ओके। बट मोस्टली क्या होता है, डर कि मुंह फटाफट ऊपर भाग जाएगा और मैं बैठ जाऊंगा यहां पर, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। आपने मन में इमेजिनेशन कर ली है कि भाई ये तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। विजुलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप दिमाग में पहले बिठा लो कि आज तो मार्केट भाई ऊपर भागेगी, आज तो ट्रेंडिंग डे होने वाला है, ऐसे नहीं है। मार्केट को करने दो वो चीज, अपने दिमाग में विजुलाइजेशन करनी है प्रिपरेशन करने के लिए। मुंगेरी के हसीन सपने नहीं देखने हमें, समझो उस बात को, दोनों में फर्क होता है। आप ये नहीं करोगे कि मैं ट्रेडिंग में विजुलाइज करूंगा, मेरे को अफर्मेटिव होना है, मेरे को पॉजिटिव होना है कि मैं गाड़ी लूंगा, मैं घोड़े लूंगा, मैं बंगला बनाऊंगा, नहीं यार वो नहीं करना, वो तो ट्रेडिंग का बाय प्रोडक्ट है। आप बाय प्रोडक्ट पे क्यों फोकस कर रहे हो, आप पहले ट्रेडिंग के जो जो भी सारी चीजें हैं उसको तो ठीक करो। तो वो ठीक करने के लिए क्या करना है, विजुलाइज, प्रोसेस को विजुलाइज करो कि जब ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, जब ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, और जब ऐसा होगा तो मैं भी रुकूंगा, ये चीज होनी चाहिए। और अगर ये चीज आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो उसका मतलब क्या है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या सिस्टम जो है उसमें कोई फ्लॉ है, आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप समझ रहे हो बात मेरी, तो उसको ठीक करना शुरू करो। ये जनरली किनके साथ होता है, जो बतेरे इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जो लाइव मार्केट में प्लानिंग कर बनाते हैं, जो उस टाइम पे सोचते हैं, तो वो चीज मत करो। देखो अगर आप पैसा कम है, आप वो स्ट्रैटेजी यूज करो जहां पर आप पहले प्रिपरेशन करके आ रहे हो और आप बस उन्हीं प्लान्स को फॉलो कर रहे हो इन मार्केट्स में, ओके। कम से कम क्वांटिटी रहे, कम से कम शेयर्स रहे और कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स रहे, मतलब जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, या स्टॉक्स में रिलायंस हो गया, या फिर लेट्स से बजाज फाइनेंस हो गया, तीन चार स्टॉक्स हो, बस उनमें ट्रेडिंग कर रहे हो अगर इंट्राडे कर रहे हो आप, ओके। तो वो चीज आपके माइंड में फिक्स्ड होनी चाहिए, तभी आप एक बेटर ट्रेडर बनेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अर्ली एग्जिट्स के बारे में। अर्ली एग्जिट्स क्या होते हैं, देखिए जैसे अर्ली एंट्री मैंने आपको बताई थी, अर्ली एंट्री क्या होती है, डर, किस चीज का डर, कि यार स्टॉक निकल गया तो। अब अर्ली एग्जिट्स क्या होते हैं, डर, किस चीज का डर, अरे अगर जो प्रॉफिट कमाया वो निकल गया तो। तो ये चीज बहुत कॉमन है, इसको काउंटर कैसे करना है, देखो सबसे पहली चीज, आप ना पहले महीना दो महीना ये प्लानिंग बनाओ कि आप बस उतनी ट्रेडिंग करोगे कि आपके कैपिटल सेफ हो जाए, समझ रहे हैं बात। प्रॉफिट मत देखो, भाड़ में जाए प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं देखना अभी हमको, अभी हमको अपने दिमाग को रीवायरिंग रीट्रेनिंग करनी है। कैसे करेंगे, आपने कुछ स्टॉक लिया या फ्यूचर लिया या ऑप्शन लिया, जो भी लिया आपने, ऊपर भागा, हमारा टारगेट क्या था, हमारा SL था 15 पॉइंट का, मार्केट ने क्या किया 12-14 पॉइंट हमको दे रही है, तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक रूल बना लेते हैं कि जैसे ही प्राइस 1:1 करती है, हमारा जो स्टॉप लॉस था जो 10 पॉइंट नीचे था हमारी प्राइस पे, हम फटाफट उसको अपनी प्राइस पे लेके आ जाएंगे। अब मैं बस एक चीज रिस्क कर रहा हूं, क्या है वो है ब्रोकरेज, मैं ब्रोकरेज अपनी जेब से दूंगा बट इसके बाद मैं कोई नुकसान नहीं लूंगा, इतना अपने दिमाग में क्लियर करिए। अब यहां से अगर प्राइस 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट ऊपर भागती है, तब आप 2-3 पॉइंट ऊपर करिए, उसके बाद आप प्लान करिए, आपको एग्जिट लेना है तो एग्जिट लो, एग्जिट नहीं लेना तो बैठ जाओ। ये चीज विद एक्सपीरियंस आएगी, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार आपने 20-25 पॉइंट का टारगेट बनाया, एक रेड कैंडल आई, ओके, अब वहां से अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, ट्रेंडिंग डे देना है, कुछ देना है, तो आपने वहां एग्जिट किया, आपने 40 पॉइंट बनाया, अब वहां से मार्केट 150 पॉइंट और भाग गई, अब आप अपना दिमाग खोल के बैठे हो, यार मेरे से तो ट्रेंडिंग डे छूट गया, मैं तो ले ही नहीं पाया, मैं तो कर ही नहीं पाया, आप नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते, इसको एक्सेप्ट कर लो,
स्विंग ट्रेडिंग में ये सारे मूव बंदा एक ले पाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं ले पाता। ये रियलिटी है लाइफ की। आपको अगर कोई दिखा रहा है कर रहा है, उसने एक आधे दिन में ले लिया होगा तो बात अलग है। मेरे साथ भी, मेरे 10 साल के करियर में मात्र मैं हैंडफुल डेज बता रहा हूँ जिस दिन मैंने मार्केट में ओपन में घुसा हूँ और मैं 3:15, 3:30 के करीब मैं एग्जिट कर रहा हूँ। हार्डली 10 दिन भी नहीं होंगे वो, मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत कोशिश की मैंने बट नहीं हुआ है। मार्केट में वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले अपने आप को ट्रेन करो कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले अर्ली एग्जिट तभी हटेगा जब आप डर हटा लोगे अपना। और डर कैसे हटेगा? कैपिटल की प्रोटेक्शन के साथ। और उतना कैपिटल डालो जितना आप सह सकते हो, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ध्यान रखना, फोमो हो गया, अर्ली एग्जिट्स हो गया या फिर अर्ली एंट्री हो गया, ये सब का सब एक फुल सर्कल है, सब एक दूसरे से अटैच्ड है। और ये सब का जो फिक्स है वो है विजुअलाइजेशन। मेंटल प्रिपरेशन इज अ की, स्ट्रेटजी सिस्टम बाद में आता है। आप समझो उस बात को, वो इतना सा पार्ट है, ये है मेन। जो एग्जीक्यूशन, जो आप ट्रेड ले रहे हो, जो आप फेल हो रहे हो ट्रेड लेने में, वो सब का सब इसी वजह से हो रहा है। आपके हाथ जो कांप रहे हैं, ट्रिगर नहीं दब पा रहा, दैट इज द रीजन। उसको फिक्स करने के लिए विजुलाइज करिए। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई थी एंड आई थिंक आई वाज टू द पॉइंट। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलना। जितना लाइक शेयर करोगे उतना मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा। और ऐसे और टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा विद मेंटल एक्सरसाइजेस एज वेल, जहां पर आप अपने आप को एक बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दीज थिंग्स। एंड ट्रेडिंग, सी इट्स नॉट डिफिकल्ट। दिमाग उसको मुश्किल बनाता है, दिमाग हर चीज को मुश्किल बनाता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अगर स्कूबा डाइविंग भी करते हैं या फिर आप कोई थोड़ी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आपने आज तक नहीं की थी, दिमाग हमेशा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स देगा आपको। उसका काम है वो करना। जहां उसको डेंजर दिखता है, जहां उसको दिखता है कि मैंने ये चीज आज तक नहीं की है, दिस इज डेंजर फॉर द बॉडी, तो शिवरिंग इफेक्ट और ये सब आना चालू हो जाता है। दिस इज प्रिटी नॉर्मल। ओके, तो उसको काउंटर करने के लिए ब्रीदिंग एंड विजुअलाइजेशन, इन दोनों को फोकस करना है। क्लियर है? तो आई होप हम लोग सेम सिंक पे थे। वीडियो पसंद आई होगी आपको, वीडियो को एक दो बार और देखना जिससे चीजें समझ में आए। नोट डाउन कर लो पॉइंट्स को और उन पे वर्क करो। ओके, सो वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।